अरे आज का दिन हमारे कृष्ण लाला के जन्म का उत्सव है। आज हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, दही हांडी फोड़ते हैं, भगवान के प्रति अपना प्यार और श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए मैं देखना चाहता था कि आप सब लोगों की श्रद्धा में सच्चाई कितनी। श्रद्धा में कितनी सच्चाई है मतलब? अरे हम दही हांडी इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि उसमें भगवान के प्रति हमारी भक्ति छुपी हुई होती है। लेकिन जैसे ही मैंने आप सब से कहा कि मैंने मटकी में सोने का सिक्का रखा है, तो आप सबका ध्यान प्रभु की भक्ति से भटककर सोने के सिक्के में अटक गया। श्रद्धा से हटकर आप सबका ध्यान लालच में बह गया। जैसे ही सोने की लालच ने आप सबको खींचा, आप सबकी ईश्वर के प्रति समर्पण की डोर टूट गई। अरे आप सब लोग सोने का सिक्का ढूंढने में इतने तल्लीन हो गए कि आप में से किसी को भी प्रभु का प्रसाद भी याद नहीं रहा। अरे हम जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने अंदर बसे हुए सुख को भूलकर बाहर की साधन सामग्री में सुख ढूंढते हैं और इसीलिए हम सही सुख को गंवा देते हैं। बराबर। आप सबको पता है कृष्ण भगवान ने अपना कर्म पूरा करने के लिए अपने गांव को, अपने माता पिता को, अरे यहाँ तक कि राजपाट का भी त्याग कर दिया। और आप सब ने सोने के सिक्के की लालच में प्रभु की भक्ति को ही भुला दिया। जब आप सब लोग एक साथ जो नहीं था वो ढूंढ रहे थे ना, तभी मुझे बहुत दुख हुआ। अरे सोने का सिक्का तो प्रतीक है मोह का, माया का, और उसकी तरफ आप सबको ले जाते हैं लोभ, लालच। जिस तरह सोने के सिक्के की वजह से मक्खन का प्रसाद छूट गया, उसी तरह जीवन में लालच की वजह से श्रद्धा और भक्ति का स्वाद छूट जाता है। अरे आप सब लोग ये भी भूल गए कि जन्माष्टमी का उत्सव सोने के सिक्के से ज्यादा मूल्यवान है। किसी ने ये नहीं सोचा कि सोने के सिक्के की लालच की वजह से हमारी मटकी पे टिकी रहने वाली नजर नीची हो गई है। सॉरी चाचा जी, हम समझ ही नहीं पाए कि आप हमें ये समझाना चाहते थे। हाँ। अरे बेटा सही समझ यही है कि जब भी ईश्वर का नाम लो तो बिना लोभ और लालच के लो। हम लोगों ने आजकल अनजाने में जीवन में से धर्म का मूल्य कम कर दिया है। उत्सव को पार्टी की तरह मनाने लगे, भक्ति गीत की जगह फिल्मी गानों पे झूमने लगे, और इसी वजह से हम सब लोगों की समझ पे अज्ञानता की धूल चढ़ गई है। वाह वाह चाचा जी वाह, आपने ये सबक सिखा के ना उस अज्ञान की धूल को साफ कर दिया। थैंक यू दादाजी हमें हमारी गलती समझाने के लिए। सोने का सिक्का तो नहीं मिला, लेकिन सोने के सिक्के से भी कीमती सबक मिल गया।
आज का ये आपका भक्ति का पाठ सुन के हमें ऐसा लगा जैसे हमें गीता का ज्ञान मिला हो। आज तो मन की भूख मिट गई। थैंक यू चाचा जी। हाँ चाचा जी, बहुत सही सीख दी है आपने। यही हमारे जीवन के सिद्धांत होने चाहिए। इस सीख को हमेशा याद रखना और लालच को अपने जीवन में से हमेशा दूर रखना। ये लालच जो है ना, वो भी सोने के सिक्के की तरह ही है। उससे मिलता कुछ नहीं, बस हमारा मक्खन जैसा सुख हमसे छीन जाता है। वाह चाचा जी वाह, आपका ये सीख देने का तरीका याद रहेगा। हाँ दादाजी।